आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में, जहां पर वायरल हुई है एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक ऐसी खबर जो दिल दहला देगी। जहां पर इंस्टाग्राम बॉयज लॉकर रूम पर की गई अश्लील चैट को लेकर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सोमवार सुबह हैशटैग बॉयज लॉकर रूम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। दरअसल इंस्टाग्राम पर बनाए गए एक एक अकाउंट का नाम है ये, जिस पर कुछ स्कूली बच्चे अश्लील चैट कर रहे थे, जहां पर लड़कियों की फोटो डालकर गैंग रेप की बात की जा रही थी। एक ट्विटर यूजर ने यहां पर ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने साइबर की मदद से इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। धारा 66 और 67A के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं अब इस मामले के दिल्ली के एक स्कूली छात्र को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद उनके मोबाइल फोनों को जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें, इस मामले में 20 और छात्रों की पहचान हुई है। आपको बता दें, बॉयज लॉकर रूम का मामला सामने आया था इस मामले को लेकर। लोगों के बीच बदले की आंख है। और इसी के साथ आपको बता दें, इस ग्रुप को यहां पर डीएक्टिवेट कर दिया गया है। दिल्ली के एक मशहूर स्कूल के छात्र ने 20 और लोगों के नाम बताए हैं और जो इस ग्रुप में एक्टिवेट थे, जहां पर इनके मोबाइल को साइबर द्वारा जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की तमाम ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।